यो व्हाट इज अप गाइस, जैसा मैंने वादा किया था, दो दिन में दूसरा वीडियो आ गया है हमारी सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2। तो जैसा कि आपको मालूम था कि भैया सबसे पहले हम लोगों ने जन्म लिया माइनक्राफ्ट की धरती पर, उसके बाद हमने कुछ चीजें बटोरी जैसे कि लोहा, सोना तो खैर नहीं मिला, थोड़ा सा ही मिला था, और हमने ढेर सारी माइनिंग करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली विलेज में पहुंच कर मैं मर गया और स्पॉन हो गया एक बहुत ही घटिया जगह पर। घटिया क्या, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं पे मैं फिर से स्पॉन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। रात हो गई है, अगर दिन होता तो चलो लकड़ी वकड़ी काट लेते, फिर से शुरुआत करते, गांव को ढूंढते, लेकिन भैया अंधेरी रात में दिया भी नहीं है मेरे हाथ में। चलता हूं मैं, मुझे दिख रही है गैया, उरी मुरी मैया, क्या होगा, चलो देखते। उतरी स्केलेटन, स्केलेटन भागो 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 भागो, अपना पिछवाड़ा बचाओ नहीं तो वो तीर मार डालेगा। भागो रे भागो रे भागो रे, कहां जाऊं यार मैं सही में यार, मतलब एक तो मैंने गलती कर दी कि मैंने कोई भी पॉइंट सेट नहीं किया, उसके बाद फिर मेरा मर भी गया, और अब ये पीछे से कौन आ रहा है मेरे। ओ मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सुबह होने का इंतजार करूंगा भैया, और मेरे पास कुछ टूल्स ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अपना गड्ढा खोद लिया, अपनी कबर खोद ली मैंने, मैं सिंपली बोलूँ तो, उसके बाद मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। फाइनली गाइस सुबह हो गई है, हम अपनी कब्र में से बाहर निकल आए हैं। क्रीपर घूम रहा है, ब्रश कर रहा है वो, मैं भी थोड़ी लकड़ी तोड़ के दातून कर लेता हूँ। भाई मेरे को डर लग रहा है कहीं क्रीपर मेरे पास ना आ जाए, फिर से मुझे ना मार डाले। नहीं 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 भाई, वो दातून करने में व्यस्त है, और बाकी स्केलेटन लोटा लेके हल्के होने गए होंगे, सुबह सुबह का टाइम है भाई, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे अपना गाँव फिर से ढूंढने का है। भैया मैंने लकड़ियाँ काटी, सारे टूल्स बनाए, और लकड़ियों के टूल्स बनाने के बाद अब मैं निकलूंगा सुपर फास्ट स्पीड में अपने विलेज को ढूंढने के लिए। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है भाई, पता नहीं कहाँ है यार वो विलेज। हालत खराब हो गई, प्यास से मर रहा हूँ मैं, भूख से मर रहा हूँ मैं, यहीं कहीं पे था, मिल गया। वाओ फाइनली भूख प्यास को छोड़ दी, हमने हमारे अंदर आ गई सुपर पावर्स, हम वापस अपने गांव जाएंगे और लेंगे अपने वो सारे क्या, वो सारी चीजें जो हमने खो दी थी, ये पड़ी हुई हैं। बैठ बे, चलो मुझे फिर से जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप को कपड़े पहना लूं, मैं अपना आर्मर तैयार कर लूं, जल्दी से लोहे की टोपी का गई मेरी, हाँ ये मेरा हेलमेट है, बिना हेलमेट के चलन कट जाता भैया। चलो चेस्ट में देखा जाए क्या है, आयरन है और ब्रेड है, और ये पता नहीं लेदर का कुछ है। जल्दी से सारा सामान बटोरा जाए, मेरे पास जगह कम पड़ गई है, थोड़ा सा फालतू का सामान इस चेस्ट में डाल देता हूँ और निकलता हूँ मैं। देखो गाँव में तो कुछ था ही नहीं, मैंने पहले पूरा चेक कर लिया था, लेकिन मैं बेड लूंगा और उसके बाद सोऊंगा रात में, ताकि भैया मैं फिर से जंगल में स्पॉन ना हो जाऊं। अब चलेंगे हम उस जगह को ढूंढने के लिए जहां पर हमको वो पर्पल वाला स्टोन मिला था, तुम लोगों ने कमेंट में बताया था कि भाई उससे स्पाई ग्लासेस बन सकते हैं। टेंशन नहीं है, हमने बहुत सारा वो पर्पल स्टोन ऑलरेडी, पता नहीं क्या अजीब सा नाम था उसका, एमेथिस वगैरह। चलिए तू छुपी है कहां, वो जगह तो नहीं मिली लेकिन मुझे गैया मैया मिल गई, और मैं नॉनवेज खाना चाहता हूँ आज। ओके वी हैव नो ऑप्शन, हमें मारना ही पड़ेगा, क्या करें। चलो भैया, अबे कहाँ जा रही है, रुक जा, तेनू ले के जावा। और भैया हम चले हैं फिर से खोज पे, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, भागते भागते ढूंढते ढूंढते हमको मिल गया एक रूइन पोर्टल। वाओ, सबसे पहले एक चेस्ट बनाई जाए, क्योंकि भाई अपने पास बहुत सारा माल हो गया है और इस चेस्ट को भी खाली करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रख दी, अपना बिस्तर लगा दिया क्योंकि रात होने वाली है और सोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना सोए हम देख चुके हैं क्या अंजाम होता है। अब यहाँ पर मैं अपना सारा सामान अपनी चेस्ट में रख दूंगा, फर्नेस बना ली मैंने, रात में सो गया, और उसके बाद अब मैं देखूंगा कि भैया यहाँ जो चेस्ट है यहाँ पर क्या क्या माल मसाला मिलने वाला है। वाओ गोल्ड ही गोल्ड, वैसे डायमंड मिलते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है
जो फोकट में मिल गया उसे लपेट लो। पूरी चेस्ट ही उठा ली मैंने। यहाँ पर मैं दोनों चेस्टों को जोड़ कर एक कपल बना दूंगा, दोनों लिविन में रहने लगेंगे। और ये मैंने रख दी चेस्ट, बड़ी चेस्ट बना के सारा मसाला इसमें डाल दिया है। चलिए भैया आप जरा सफाई की जाए, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन जायदाद पे कब्जा किया जाए। तो भैया मेरे एक घंटे मेहनत करने के बाद पूरा खेत साफ कर दिया है, खेत सफा हर रोक दफा। और उसके बाद मैंने नहर बनाई है, जल है तो जीवन है। और यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर हमको पानी का सोर्स मिल ही गया था, तो मैंने कहा क्यों ना भाई खेती ही कर ली जाए। फटाफट फटाफट से जो हमें सीड्स मिली थी उनको हमने बो दिया है। उफ थक गए यार मैं, इतनी सीड्स ही थी मेरे पास, 8 और बची हुई हैं। चलो इनको भी जल्दी जल्दी हम ज़मीन में लगा देते हैं, रात होने वाली है। थक गए यार मैं, बहुत देर से खेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। वो जगह तो हमको मिली नहीं, तो मैंने सोचा फाइनली यहीं पर घर बना लेते हैं, खुले में बिस्तर डाल के सो जाता हूँ। सुबह हो गई मामू, घर बनाया जाए। देखो कोई महल वहल नहीं बनाने वाला मैं केवल यहाँ पर खुदाई करने के लिए एक छोटा सा चेम्बर बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं रात में भी खुदाई कर सकूँ और ऊपर से सेफ रहूँ। रात हो गई है, सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर से हमने अपना काम फिर से चालू किया, फटाफट फटाफट अपने अपना घर बनाया, घर में दरवाजा लगा लिया, दरवाजे को दोनों साइड से ओपन करके देख लिया हमने सही से काम कर रहा है, और इस पर लगा देंगे हम ताला हरीसन वाला। चलिए खुदाई चालू की जाए और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है ज़मीन के अंदर। पहले कुछ खा लेता हूँ यार, भूख लग रही है। चलो भैया भड़ावड़ 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 खूब सारी खुदाई करते करते हमें मिल गया है डायमंड। ओह नहीं गोल्ड, सॉरी गोल्ड है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा है, आवाज़ आ रही है मुझे। बट भाई वैसे मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, मुझे इतनी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बट देखो माइनिंग तो करनी ही है नहीं। बहुत सारी लाइट्स लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ माइनिंग। और ये मुझे मिल गया है गोल्ड, घूम फिर के मैं गया, डायरेक्ट नहीं गया, पूरा गोल्ड उठा लूँगा। कॉपर भी मिल रहा है फ्री में, कॉपर का करते क्या है यार, कॉपर ज़्यादा यूज़फुल लग नहीं रहा मुझे, फालतू में उन्होंने एक ब्लॉक और बढ़ा दिया। काश के इस गोल्ड की जगह डायमंड होता से मज़ा आते हैं। एनीवे डायमंड भी मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा गोल्ड का एक निकट गिर गया है, इसको उठा लेता हूँ मैं। मेरे होठों से निकलती है धुआंधार। चलो 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अरे देखो जरा, ओ तेरी क्रीपर चाचा खड़े हैं, जल्दी जल्दी भागो रे, ओ भागो रे। सुरसुरी, ये जब भी पास आता है क्रीपर सुरसुराने लगता है इस तरीके से। कोई नहीं इसको मारते हैं, एक्स लेता हूँ सबसे। तेरी तो भाई मारियो मत, रुको जरा इसका काम तमाम करते, ले गया साला। चलिए क्रीपर चाचा का तो काम ख़त्म हो गया है, उन्होंने हमारी बनाई हुई सीढ़ी का भी काम लगा दिया है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर से रास्ता बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पर नीचे आके पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया है ताकि मैं आराम से आगे बढ़ता रहूँ, थोड़ा सेफ रहूँ मैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, यहाँ से जोम भी आ रहा है। कोई नहीं एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं, मारो साले को। शील्ड भी अपने पास बनने क्या, ओहो वन मोर, वन टू मोर थ्री मोर। अबे ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या हो रहा है, मुझे ज़ोंबी से इतना प्यार भी नहीं है। हाँ भागो बे, इसकी तैसी मर साले। चलो हमको गाजर तो मिल गए हैं ज़ोंबी को मारने से। यहाँ मुझे लग रही है गड़बड़, भाई साहब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, एक्स टूट गई हमारी, नहीं टूटी पत्थर वाली है अपने पास। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो टाइम वेस्ट नहीं करने का है, मारो इसको हाथ से मारो। ओके फाइनली उस जगह से आ रहे हैं, यहाँ मैंने पत्थर भी लगा दिया था, अच्छा यहाँ से छूट गए थे पत्थर लगाने, कोई बात नहीं यहाँ भी लगा देता हूँ। ऊपर से चढ़ के देखता हूँ आखिर टोटल हैं कितने ज़ोंबी, बच्चा है
यार मुझे क्राफ्टिंग टेबल लानी चाहिए थी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये लोग ऊपर ना आ जाएंगे नहीं तो। अरे तुरी ऊपर बस से उतरे क्या इतने सारे ज़ोंबीज एक साथ? इतने सारे ज़ोंबीज देख के भाई मैं डर गया, मैं वापस ऊपर आ गया हूँ। फिर से चल के देखते नीचे क्या है। पानी की बोतल भी नहीं रखी आज मैंने गेम खेलते टाइम। चलो कोई नहीं, गेम को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, चलते हैं। ज़रा इधर उधर हो गए हैं वो लोग, फिर आ गए सारे। चलो उनको ज़रा फटाफट मारा जाए, इनकी ऐसी की तैसी की जाए। अरे यार एक्सपी चली गई, पिकेक्स से मारूं क्या इनको, क्या करूं? अबे अबे सालों मरते क्यों नहीं तुम लोग? डेथ ना दे। मैंने तलवार बना ली है दोस्तों, तलवार बनाने के बाद अब ज़रा तेज़ी से इनका काम तमाम किया जाए। गाजर मूली की तरह ज़ोंबीज को ख़त्म किया जाए। वो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, क्या है क्या है यहाँ पे, क्या थोक के देख कितने ज़ोंबीज आ रहे हैं यार। अबे मेरी तलवार की पावर भी कम होती जा रही है, क्या 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 ख़त्म ही नहीं हो रहे। चलो फाइनली एक आखिर बचा है। ओके दो बच्चे बचे हैं उनको निपटाओ। और एक और आ गया, इनका बाप आ गया। अब तेरी तो हट साले। तो ये था यहाँ पर ज़ोंबीज के इतने सारे होने का सीक्रेट। सबसे पहले इसके ऊपर लाइट लगा दी जाए। चलो यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ मिल गया, रेडस्टोन भी मिल गया है। और ये कहाँ से आया? अबे मैंने तो दीवार भी बना दी थी। बहुत बुरा हुआ, पत्थर लेकर वापस आया हूँ और कुछ खास मटेरियल मेरे पास था नहीं। ज़ोंबीज अपनी बंद है, इसको बंद ही रहने दो और बंद कर दो इसकी। इसके दो हो गए, चार हो गए। अच्छा तो यहाँ से आ रहे हैं ये ज़ोंबी को, जो स्पॉन करने की मशीन है ना, इसका काम लगाना पड़ेगा। चलो ये सब तो हो गए हैं बंद, इनको छोड़ो क्योंकि अपने पास कुछ है नहीं। अपने सारे चीज़ें वहीं छूट गई, मैं नीचे से जाता हूँ। ये मेरी ट्रिक काम कर गई क्योंकि मैं ऊपर से जाता मर जाता, नीचे से मैं गया उस चीज़ के पास और मुझे सब वापस मिल गया। फिर से अपनी टोपी, अपनी स्वेटर और अपने जूते कहाँ गए? हाँ जूते हैं मेरे पास, थैंक गॉड। जूते पहन लिए जाएं, है ना। जूते पहनने के बाद ओके सो तलवार भी आ गई है वापस। अब ज़रा इन लोगों का काम लगा दिया जाए। आओ बेटा, सबको मैंने खचाखच कमरे में बंद करके मारा। वैसे मुझे मालूम है कोई फ़ायदा नहीं है, अभी बहुत सारे बाहर स्पॉन हो ही चुके होंगे। ठीक है, ये सब लेने के बाद अब ज़रा यहाँ पर रास्ता बनाया जाए। भाई मैंने गलती से फर्नेस की जगह ड्रॉपर बना लिया था, कोई नहीं। अब हमने जो हमारे पास लोहा था उसको पिघलने रख दिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ज़ोंबीज उछल कूद कर रहे हैं। पूरा का पूरा भाई परिवार है यहाँ पे, तारक मेहता की गोकुलधाम सोसाइटी बना रखी है भाई इन लोगों ने। सबको मारो भाई, उधर से भी आ गए सारे। कोई नहीं मैं इधर से खचाखच सबको मारने का रास्ता ब्लॉक करूँगा। दोस्तों ये माइनिंग तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक होती जा रही है। कल इससे पहले कि और ज़ोंबीज निकल आएँ हमें नीचे कूद जाना चाहिए। लाइट तो लगा दी मैंने, एक और ज़ोंबी बची है। चलिए कूदते हैं, मैंने रास्ता बंद कर दिया है। जल्दी से लाइट लगा दो यहाँ पर, टॉर्च लगा दो। आई थिंक इनफ है, ये मुझे आईडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मुझे कोई ज़ोंबी स्पॉनर मिला है। देखते हैं यहाँ पर चेस्ट के अंदर क्या है। ओके एंशिएंट बुक, मुझे कौन मार रहा है। तेरी तो भाई हार्ट बीट बढ़ गई थी एकदम से, इसको तोड़ भी नहीं सकते ना। इसके ऊपर भी एक लगा देता हूँ, मैं काम करता हूँ टॉर्च। आई थिंक इट शुड वर्क। चलो भैया ज़्यादा कुछ खास नहीं है चेस्ट में, सब कुछ लूट लाट के मैं ऊपर आ गया हूँ। सब मटेरियल मैंने भर लिया है और ले जाकर मैं इसे अपनी मेन चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से मर गया तो ये सारा सोना चांदी चवनप्राश जो भी मैंने लिया था वो सब बेकार चला जाएगा।
और हमने अपना इन्वेंट्री को खाली कर लिया है, कुछ काम काम की चीज़ें वापस ले ली हैं फाइनली। सो दैट वॉज द डे टू। माइनिंग ही माइनिंग रही, थोड़ी बहुत हमने खेती करी, खेती को मैंने थोड़ा एक्सटेंड भी किया था बट वो पार्ट मैंने काट दिया, फालतू टाइम वेस्ट होता। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे नीदर के अंदर, अगर हमने पोर्टल को कंप्लीट कर लिया। बट अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है एपिसोड 2, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 2 दिन में पहली बार इतिहास में मैं वीडियो लेकर आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले गेमिंग वीडियो में।